हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पटेल इंजीनियरिंग शेयर के ऊपर। इन डिटेल में हम लोग बात करेंगे, तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल को भी सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग पटेल इंजीनियरिंग शेयर के ऊपर। स्टॉक में आज के सेशन में हम लोगों को यहाँ पे गिरावट देखने को मिला। प्रीवियस सेशन में भी गिरावट देखने को मिला था, उससे प्रीवियस सेशन में स्टॉक में अपर सर्किट हम लोगों को देखने को मिला। यहाँ पे स्टॉक ने एक अच्छा राउंडिंग बॉटम बनाया था, स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट भी दिया, बट ब्रेकआउट यहाँ पे फेल होता हुआ हम लोगों को देखने को मिल रहा है। अब अगर बड़े टाइम फ्रेम पे हम लोग बात करेंगे, वीकली बेसिस पे बात करेंगे, तो स्टॉक में ऑलरेडी एक बड़ा मोमेंटम हो चुका है। स्टॉक 30 रुपीज़ के लेवल के ऊपर ब्रेकआउट दिया था। यहाँ पे वीकली बेसिस पे बात करेंगे तो 30 रुपीज़ के लेवल के ऊपर स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ था। उसके बाद से स्टॉक जो है कंटिन्यूस मोमेंटम कर चुका है, मोर देन 60% का हम लोगों को अपमूव देखने को मिल चुका है। तो यहाँ पे अब रिजल्ट भी आ चुका है। तो यहाँ पे जो है स्टॉक में आपको एक गिरावट देखने को मिला, वापस से स्टॉक ऊपर जरूर गया, बट अगेन यहाँ पे अगर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है तो स्टॉक में एक गिरावट देखने को मिल सकता है, या फिर स्टॉक जो है इस रेंज में ट्रेड कर सकता है। अगर इस स्विंग को ब्रेक कर देता है स्टॉक, तो फिर स्टॉक में रिट्रेसमेंट जो है 40 रुपीज़ के लेवल तक देखने को मिल सकता है। अगर इस स्विंग पे सपोर्ट ले लेता है, तो फिर स्टॉक में जो है हम लोगों को यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक बड़ा मोमेंटम हो चुका है। तो एक कंसोलिडेशन होगा, उसके बाद ही स्टॉक जो है वापस से अपसाइड जाएगा, क्योंकि कभी भी आपको वन साइडेड मोमेंटम नहीं होता है। स्टॉक रिट्रेसमेंट लेता है, कंसोलिडेट करता है, वापस से आपको अपसाइड मोमेंटम होता है, फिर पुल बैक, वापस से ब्रेकआउट, कुछ इसी टाइप से जो है आपको जिग जैग मोमेंटम में स्टॉक चलता है, कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता है। तो यहाँ पे एक बड़ा मोमेंटम हो चुका है, वेट कीजिए। अगर रेंज बनाता है तो आपके लिए काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा, वापस से जो है यहाँ पे हम लोग पोजीशन ऐड कर सकते हैं। और अगर रेंज नहीं बनाता है, यहाँ पे स्टॉक रिट्रेसमेंट लेता है, तो भी हम लोगों को एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। दोनों ही केस में आपको जितने भी लोगों ने मिस कर दिया इस स्टॉक को, उनको वापस से री एंट्री का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो अभी जो है यहाँ पे जल्दबाजी में पोजीशन नहीं लेना है, वेट कीजिए। और अगर ऑलरेडी आप लोग 32-33 के लेवल से होल्ड कर रहे हैं, या फिर उससे नीचे के लेवल से होल्ड कर रहे हैं, तो कंटिन्यूसली होल्ड करके रख सकते हैं। आई होप आप लोगों को सेव पॉइंट जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।